स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको हिमाचल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर में दो संदिग्धों की जहां एक और तलाश जारी है, तो वहीं चंबा में भी शनिवार को दो संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली। और ये सूचना मिलने पर जहां पुलिस ने जिले की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग कर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बारे में दोपहर बाद चंबा के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र तोमर ने बताया कि पुलिस को दो संदिग्ध मुख्य बाजार में देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे बाजार की चेकिंग की। साथ ही तुनुहट्टी और लाड़ू समेत दूसरे बैरियरों पर नाकाबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी आर्मी यूनिफॉर्म में कोई संदिग्ध नजर आए तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। तो बड़ी खबर, आर्मी यूनिफॉर्म में दो संदिग्ध नजर आए हैं। चंबा के मुख्य बाजार में ये दोनों संदिग्ध देखे गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही गुरदासपुर में दो संदिग्ध देखे गए थे आर्मी की वर्दी में, उनकी तलाश की गई, पूरी नाकेबंदी कर दी गई थी गुरदासपुर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं नजर आए तो तलाशी अभियान गुरदासपुर में खत्म कर दिया गया। और अब चंबा में दो संदिग्ध आर्मी यूनिफॉर्म में देखे गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को फौरन दे दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंबा के डीएसपी वीर बहादुर सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीर बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये दो संदिग्ध कहां देखे गए और किस प्रकार से ये सूचना मिली। ये पिछले कल करीब शाम को 6 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि बाजार में दो जगह अलग अलग स्थानों पर मतलब कुछ अलग, एक पुलिस ड्रेस में और एक आर्मी की ड्रेस में देखे हैं जी। तो उसके बाद जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बाद हमने शहर की नाकाबंदी की और चेक किया गया, उन स्पॉट्स को भी चेक किया और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे आसपास, जो शॉप्स हैं और जो कुछ लोग आते जाते हैं वहाँ से, या रेडी फड़ी वाले हैं या जी, दूसरे व्यक्ति हैं, तो उनको पूछा है पर वेरीफाई नहीं हो पाया। सारी रात हमने चेकिंग भी की है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन कुछ वेरीफाई नहीं हो पाई। डीएसपी साहब, आप कह रहे हैं कि एक शख्स पुलिस की वर्दी में था और एक आर्मी की ड्रेस में था जी, क्या ये दोनों एक ही जगह पर पाए गए हैं या फिर दोनों अलग अलग देखे गए हैं? नहीं, ये एक्चुअली मार्केट के अलग अलग स्पॉट पे बताया है, जो जिस शख्स ने इन्फॉर्मेशन दी है उसने अलग जगह पे बताया है जी। तो अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम सीसीटीवी फुटेज भी देखी है उस जगह की जी। लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया था उस टाइम तो क्लियर तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है। इसके साथ ही हमने जो भी शॉप्स वहाँ पे या रेडी कुछ लगाते हैं लोग, तो उनको भी पूछा है लेकिन किसी ने भी इस तरह की बात नहीं कही है। हालांकि फिर भी हम लगातार सतर्क हैं और एहतियात के तौर पर लगातार हम लोग नाकाबंदी भी हमने की हुई है कि कोई ऐसा गाड़ी या कोई इस प्रकार के लोग तो नहीं आए हैं, पर अभी तक कोई वेरीफाई नहीं हो पाया है। डीएसपी साहब, इस पूरी कार्रवाई में क्या सिर्फ पुलिस ही काम कर रही है अभी तलाशी अभियान में, या फिर कुछ और फोर्सेस हैं जो आप तलाशी अभियान में लगाने के बारे में कुछ विचार हो रहा है इस बारे में भी? जी, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने जैसे इन्फॉर्मेशन आई थी तो जिला स्तर पर जितने भी हमारी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जहाँ पे मिलिट्री हैं, तो सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी इस संबंध में। तो अपने अपने लेवल पे एक फोर्स जो है वो अलर्ट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। तो दो संदिग्ध अब चंबा में देखे जाने की सूचना मिल रही है, एक पुलिस की वर्दी में देखा गया है शख्स और दूसरे शख्स आर्मी की ड्रेस में था, आर्मी की वर्दी डाली हुई थी और ये मुख्य बाजार में दो अलग अलग स्थानों पर देखे गए हैं। हमारा इरावती चौक है चंबा में, यहाँ पे देखे गए हैं और उसके बाद कुछ एक सूचना मिली कि एक पंजाब पुलिस टाइप यूनिफॉर्म में भी देखे गए हैं। और इस बारे में सारी होटल चेकिंग वगैरह और सारी पेट्रोलिंग
जो हमारे तुन्नू हट्टी बैरियर्स हैं या लाड़ू बैरियर्स हैं या जो इंटर स्टेट OCPs BCPs हैं, इन पे क्योंकि सूचना मिली है तो वी टुक इट सीरियसली और इस पर हम वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर से सटी चंबा की बॉर्डर पर ITBP तैनात करने की मांग फिर से दोहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंबा बॉर्डर संवेदनशील एरिया है और आतंकी इस इलाके को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले 2012 तक ITBP की बटालियन यहां पर तैनात थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर से सटी कुल 24 पोस्ट में से 9 पर ITBP तैनात थी। I stand by my earlier demand because that Chamba border with Kashmir is a very vulnerable border and we should be cautious about that. I have written letters, I have talked to also the concerned ministers and I will again take up this matter with them to see that this border is very vulnerable. You see? Because anybody entering from their side can come behind us. एक और सीएम जो है चंबा के बॉर्डर पर ITBP तैनात करने की मांग लगातार कर रहे हैं, तो वहीं आज चंबा के मुखिया बाजार में दो संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने की सूचना भी मिली है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता शिव शर्मा जुड़ चुके हैं। शिव शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कहां नाकेबंदी की गई है, कहां तलाश की जा रही है इन संदिग्धों की? जी इंदर, ये जो पुलिस की कार्रवाई है पिछले कल से चली हुई है। कल शाम से जब पुलिस को ये पता चला कि कुछ संदिग्ध दो व्यक्ति, जिन्होंने एक ने तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और दूसरे ने जो थी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, तो जैसे इस घटना का पता चला तो किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी कि ये कुछ दो व्यक्ति हैं जो इस वेशभूषा में है और संदिग्ध तरह के दिखते हैं। तो पुलिस ने तुरंत हरकत की और उसी टाइम चारों तरफ पुलिस ने अपनी नाकाबंदी और चारों तरफ से जितने भी हमारे बैरियर थे उन पे सारे तरफ नाकाबंदी करके अपनी पुलिस बल को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया। जहां तक अगर देखा जाए तो चंबा जिला जो है एक तरफ पंजाब से जुड़ता है तो दूसरी तरफ जम्मू से जुड़ता है। हालांकि ये एक तरफ उग्रवाद की घटना को देखा जाए तो 2004 में जो उग्रवाद की घटना हुई थी बहुत जबरदस्त हुई, जिसमें 36 आदमियों को लाइन में खड़े करके उग्रवादियों ने गोली मार दी थी। चंबा वैसे तो बहुत ही संवेदनशील है, पर जहां तक पुलिस की भूमिका है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि पुलिस ने आज तक जितने भी अभी तक जो कार्य किए हैं वो सब सराहनीय है, क्योंकि पुलिस ने मैक्सिमम हर जगह पे अपने पूरे हाले चुनाव होने के बावजूद भी ये सरहद है, बॉर्डर है, यहाँ से सीएम साहब भी जो है वो बार बार कह चुके हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, ITBP तैनात कर देनी चाहिए। तो अब जो खबर ये है कि दो संदिग्ध देखे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ और जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल द्विवेदी शिमला से जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर? जी इंद्र, जहां पे सीएम वीरभद्र सिंह ITBP की एक बटालियन की मांग कर रहे हैं और ये जो बॉर्डर है चंबा का जो J&K पंजाब के साथ जो जुड़ता है उस पे ITBP की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो अभी जो संदिग्ध हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, उनका चंबा बाजार में देखा जाना, उनको स्पॉट किया जाना, उस बात को थोड़ा प्ले सेफ भी कर रहे हैं, उसको जो एंग्जाइटी बन चुकी है उसको थोड़ा टर्न डाउन कर रहे हैं। सीएम कह रहे हैं कि संदिग्ध का मतलब ये होता है कि जिस आदमी को या जिन लोगों को पहचाना नहीं जा सकता या जो आम लोग ना हो, जिनकी पहचान उस बाजार में ना हो, पर ये नहीं कहीं भी कहा गया है कि जो संदिग्ध का मतलब है वो उग्रवादी है। तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात, जब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सवाल किया
कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन संदिग्धों के लिए, तो उन्होंने कहा संदिग्ध जरूर हैं क्योंकि उन्हें लोग पहचानते नहीं हैं, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो उग्रवादी ही है, आतंकवादी है, पुलिस की जो किसी और संगठन से जुड़े हुए हैं, ये जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस भी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही है कि आखिर ये दो संदिग्ध कौन है। हालांकि एक शख्स पुलिस की वर्दी में देखा गया है और एक आर्मी की वर्दी में। तो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। विशाल आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हम हिमाचल के चुनावों की बात करते हैं। तो प्रधानगी की जंग चल रही है हिमाचल में। 52 नगर इकाइयों और कांगड़ा के 55 जिला परिषद के लिए हुए चुनाव है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग हुई है। दोनों जगह 75% वोटिंग दर्ज की गई है। युवा वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद वोटिंग बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में 52 नगर इकाइयों और कांगड़ा के 55 जिला परिषद के लिए आज चुनाव हुए, वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग खत्म हो गई। दोनों जगह ही हुई वोटिंग में 75% वोटिंग दर्ज की गई है। युवा वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि ठंड बहुत थी, इसके बावजूद वोटिंग बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये सुबह की तस्वीरें हैं। वहीं आबकारी और कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के गृह विधानसभा क्षेत्र बलह में आने वाले नगर परिषद नेरचौक में मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। ग्रामीणों ने नगर परिषद के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए मतदान नहीं किया। प्रदेश में यह पहला मौका रहा जब मतदान का इस तरह से पूर्ण बहिष्कार किया गया हो। ग्रामीणों ने यह कदम नेरचौक को नगर परिषद बनाने के चलते उठाया। नेरचौक को सीधे ग्राम पंचायत से नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया था और आसपास की 6 पंचायतों को इसमें शामिल कर इसका गठन कर दिया गया। ग्रामीणों ने नगर परिषद का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने विरोध कर रहे ग्रामीणों की एक नहीं सुनी, जिसके बाद राजनेताओं के इशारों पर कुछ प्रत्याशियों ने नगर परिषद नेरचौक के लिए अपने नामांकन तो भर दिए, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते उन्हें अपने नाम वापस लेने पड़े। रत्ती वार्ड से सिर्फ एक विवादित प्रत्याशी ने नामांकन भरा था, जिसे निर्विरोध चुन लिया गया है, जबकि सियोहल वार्ड के 2 प्रत्याशी वक्त पर अपना नाम वापस नहीं ले सके। रविवार को नेरचौक नगर परिषद के सिर्फ सियोहल वार्ड में ही मतदान होना था, लेकिन ग्रामीणों ने मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। यहाँ पे जो टोटल वोट है वो 759 है, लेकिन अभी तक किसी भी मतदाता ने अपना मत नहीं दिया है। वार्ड नंबर 11 सिवड़ी से बिलोंग करते हैं। हमारा विरोध है कि हमें नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाए, जब बल्कि हमें जो है ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। इसीलिए सभी ग्रामीण जो है आज इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और अभी तक जो है जो पोलिंग हो रही है उसमें एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से जो है निवेदन है कि हमें नगर परिषद से निकाल कर जो है ग्राम पंचायत में रखा जाए। तो मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया था और 3 बजे तक होता रहा, लेकिन ये पोलिंग बूथ जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा रहा। और इस खाली पड़े वोटिंग बूथ का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता यशराज शर्मा ने। एक तरफ जहां चुनाव आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण एवं शहरी निकाय चुनावों को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है, वहीं पे एक वार्ड ऐसा है जहां पर सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। इस वक्त है हम नेरचौक नवगठित नगर परिषद के सिहोली वार्ड में, जहां पर सुबह से लेकर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि यहां पे जो स्थानीय लोग थे वो इस नगर परिषद का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर, क्योंकि ये जो एरिया है वो यहां पे ज़्यादातर संख्या में किसान रहते हैं, और अगर ये नगर परिषद बनती है तो उनके ऊपर भारी कर लगेगा और उन्हें जो फायदे मिलते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे, जिसके चलते स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यहां पर, क्योंकि बाकी जो वार्ड थे वहां पर एक भी नामांकन नहीं दर्ज हो पाया था, 9 वार्ड खाली रहे थे और एक वार्ड पे एक जो प्रत्याशी था उसको अनपोज विनर डिक्लेयर किया गया था। सिर्फ एक वार्ड में 2 प्रत्याशी बचे थे, तो स्थानीय ग्रामीणों के आह्वान और विरोध के चलते इस वार्ड में सुबह से लेकर अभी तक एक भी वोट नहीं डाला गया है।
तो नेर चौक में ये वो वार्ड था जहां पर लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, लेकिन कई ऐसे वार्ड थे जहां पर लंबी लंबी कतारें देखी गई, बड़ी बड़ी भीड़ देखी गई वहां पर। और क्या कुछ आज का अपडेट है वो जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल द्विवेदी जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं जानना चाहूंगी कि चुनाव का दिन था आज, 7 बजे ही वोटिंग शुरू हुई, तो कितना उत्साह देखने को मिला, क्योंकि जो वोट प्रतिशत अब तक सामने आ रहा है 75%, कम नहीं है ये आंकड़ा, तो भारी उत्साह था क्या वोटरों में? जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसे कांगड़ा जिला के 377 पंचायतों में 55 जिला परिषद की और पूरे हिमाचल भर में 52 जो सिविक बॉडीज हैं, नगर इकाइयां हैं, जिसमें 29 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं और 23 जो नगर पंचायतें हैं, उनमें आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मतदान हुआ। सुबह का 7 बजे से लेकर 10 बजे का जो पहला पहर था उसमें मतदान तकरीबन 30-35% था, जो अनुमान देखा भी गया था पहले और सेकंड फेज में भी, जब जो हिमाचल के हायर रीचेस में जब यह पंचायती चुनाव के इलेक्शंस हुए थे। पर 10 बजे के बाद जैसे जैसे सूरज खिलता रहा और क्योंकि ठंड थी तो जैसे तापमान इम्प्रूव हुआ, टेम्परेचर जैसे ही इम्प्रूव हुआ वैसे ही लोगों ने अपने घर से निकल के और पोलिंग करी है। तो 75% का जो एक सरकारी डाटा जो टीजी नेगी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ये बताया कि 75% की पोलिंग हुई है। ये जो कांगड़ा में 370 पंचायतें हैं, 55 जिला परिषद हैं और 52 जो नगर परिषद हैं और जो नगर पंचायतें हैं, उनमें जो ये पोलिंग हुई है उनमें लगभग 75% का एक एवरेज माना जाता है। पर इसके साथ टीजी नेगी ने यह भी कहा है कि ये जितने भी इलेक्शंस हैं, बेशक वो कांगड़ा में रहे या पूरे हिमाचल में जो 52 सिविक बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, वो पूरे ही पीसफुल हुए हैं और कहीं भी अनटूवर्ड जो इंसिडेंस है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। शांति के साथ आज मतदान हुआ है, तो 75% मतदान दोनों ही जो चुनाव हुए हैं उनमें देखा गया है। कांगड़ा की भी 55 जिला परिषद थे और 52 नगर इकाइयां थी जिनके लिए आज मतदान हुआ, भारी भीड़ देखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, हालांकि ठंड थी, लोगों की कतारें लंबी लंबी लगनी शुरू हो गई, शुरुआत में थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया 10 बजे के बाद वोटिंग की रफ्तार भी बढ़ती गई और उसके साथ ही बढ़ गया वोट प्रतिशत का आंकड़ा। तो कुल 75% के करीब जो है मतदान हुआ है, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट आंकड़े नहीं सामने आ पाए हैं, तो शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से 75% मतदान दर्ज किया गया है। ऊना में जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का कहना है कि बीडीसी में बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, लेकिन चेयरमैन की सीट आरक्षित होने की वजह से खींचतान जारी है। सत्ती का दावा है कि कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य उनके संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी का चेयरमैन भी बनाने वाले हैं। साथ ही सत्ती ने कहा कि इस बारे में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से भी बातचीत हो रही है। वहीं इस दौरान जिला परिषद के जीते हुए बीजेपी के 10 सदस्यों को भी सम्मानित किया गया है। पार्टी के जिला ऊना में 17 जिला परिषदों में से 10 जिला परिषद जीत करके आए हैं। आज हमने सभी जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया है और 13 तारीख को इनकी ओथ रखी गई है। उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में जो सभी लोग जाएंगे और जिस समय चेयरमैन का चुनाव होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के जिला में अपना चेयरमैन बनाएगी, क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है। वही विवाद शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी चल रहा है और इस स्मार्ट सिटी विवाद पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीजेपी और वामपंथियों को नसीहत दी है। सीएम ने कहा है कि दो शहरों के बीच की स्पर्धा है, इसे सियासी रंग ना दें। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर को ज्यादा वेटेज नहीं दी जा रही है और वो पूरे प्रदेश को समान नजर से देखते हैं। बीजेपी और वामपंथी का आरोप है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा धर्मशाला को ही स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं और शिमला की अनदेखी कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी जो है दो नगरों के बीच में चल रही है, एक शिमला और एक धर्मशाला।
कोई दिक्कत नहीं, हम होने चाहिए होगा वो जो नियम अनुसार बन सकते हैं। हिमाचल के परिवहन मंत्री जीएस बाली की धर्मशाला में की गई घोषणा से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वाकिफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना होने से इनकार किया है। दरअसल बाली ने कहा था कि 10 साल से ज्यादा पुरानी एचआरटीसी की 700 के करीब बसें हटा दी जाएंगी और 300 नई बसें तुरंत प्रभाव से चालू की जाएंगी। वीरभद्र सिंह के मुताबिक उन्हें ऐसी किसी घोषणा की लिखित सूचना नहीं मिली है। स्कीम ऑफिस डायरेक्शन है कि 10 साल से ऊपर जो भी बसेज होंगे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, तो अभी सिर्फ 300 बसेज होंगे सर, जो बाकी जो लैब्स रहेंगी 370 बसेज का वो कितनी जल्द पूरा कर दिया जाएगा? एच आर टी सी में नई बसेस 370 अभी सिर्फ 300 आई हैं सर। आपके पास नहीं सर, 2012 में सेना की टुकड़ियों के दिल्ली की तरफ कूच करने के मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को अपनी ही पार्टी से विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन मनीष तिवारी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि अपनी कही हुई बात में ना तो कुछ जोड़ा है और ना ही कुछ घटाना है। कांग्रेस इस बारे में क्या कह रही है मैंने सुना नहीं है। उधर इस बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे और तब सेना ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था। जो मैंने कल कहा था उसमें ना जोड़ने के और ना घटाने के लायक कुछ है। जो टिप्पणी मैंने की थी उस टिप्पणी के बाद और कोई टिप्पणी बनती नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं उस चीज़ को अंग्रेजी में दोहरा देता हूँ। दैट वॉट एवर आई सेड येस्टरडे आई हैव नथिंग मोर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू दैट। कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जहाँ पर कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट को ऊपर कब्जा कर दे और या आदमी का शासन चालू हो, ऐसे समय कभी आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मनीष तिवारी के बयान से एक बार फिर से सेना के कूच करने का मुद्दा गर्मा गया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।